मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर हर रोज की तरह आज भी काफी सारी बड़ी अपडेट बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की जो कि मुंबई की टीम की ओर से निकल कर आ रहा है। यह बड़ा अपडेट दोस्तों जो है वो एमआई की टीम के शेड्यूल को लेकर आया है, जहां दोस्तों अभी पहले हाफ का तो शेड्यूल आ चुका है, यानी 24 मैचों का भी शेड्यूल रिवील हुआ है और उसमें से जो 4 मैच है मुंबई इंडियंस की टीम के वो भी रिवील हो चुके हैं। और दोस्तों जो अपना पहला मैच होने वाला है, यानी कि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम का, यानी कि अपनी टीम मुंबई इंडियंस का एमआई पल्टन का जो मैच रहेगा, वो पहला हमें दोस्तों गुजरात की टीम के साथ में होते हुए दिखने वाला है। यहां कहीं देख लिया दोस्तों तो जो बीसीसीआई है वो भी चाहता है कि टीआरपी ज्यादा रहे आईपीएल के अंदर, इस आईपीएल एडिशन के अंदर। और जहाँ तक दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीसीसीआई ने जानबूझकर एमआई की टीम का जो पहला मैच है वो दोस्तों गुजरात की टीम के साथ में रखा है। और क्यों रखा है ये तो आप लोग भी जानते हो और हम सब जानते हैं कि दोस्तों टीआरपी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या जो है एमआई की टीम की कप्तानी करने वाले हैं, अब हमें मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे हार्दिक पांड्या, जो कि हमें गुजरात की टीम की कप्तानी करते हुए दिखते थे। तो इससे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाले और काफ़ी ज़्यादा मैच देखते हुए हमें नजर आने वाले, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टीआरपी मिलने वाली है। तो गुजरात की टीम के साथ में 24 मार्च को एमआई की टीम का पहला मैच होते हुए दिखने वाला है और दूसरा मैच 27 मार्च को बुधवार के दिन वेडनेसडे को हैदराबाद की टीम के साथ में होगा हैदराबाद के अंदर, और तीसरा मैच जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ में होगा 1 अप्रैल को दोस्तों मुंबई के अंदर होने वाला है। और जो आखिरी मैच रहने वाला है फेस वन का संडे के दिन होने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम का दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ में, जो कि ये मैच भी हमें मुंबई में होते हुए दिखने वाला है 7 अप्रैल को। और ये जो मैच रहेगा दोस्तों 2:30 बजे से हमें शुरू होते हुए दिखने वाला है। जो चौथा मैच रहेगा मुंबई इंडियंस की टीम का वो हमें 2:30 बजे से स्टार्ट होते हुए दिखने वाला है 2:30 बजे से। और दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर हम टेलीकास्ट करने वाले आईपीएल के सभी मैचेस को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। जैसे मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से अपडेट आता है सबसे पहले आपको वहीं पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगली बड़ी अपडेट सूर्य कुमार यादव को लेकर आ रही है। सूर्य कुमार यादव अभी हमें कोई भी लीग खेलते हुए नहीं दिख रहा है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव पर ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव अभी इंजर्ड है, लेकिन दोस्तों जहाँ तक इंजरी की बात की जाए तो हमें नेट प्रैक्टिस तो करते हुए नेट प्रैक्टिस में हमें स्काई नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ तक बता दें आप लोगों को काफ़ी बड़ी इंजरी स्काई को ही थी, ये तो हम सब जानते हैं 1.5 महीना पहले। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव हम पूरी तरीके से फिट होते हुए दिखने वाले, लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है आईपीएल 2024 का सीजन शुरू होने के लिए, तो तब तक इजीली फिट हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव। वैसे आप लोगों की क्या राय है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बस ये वीडियो ही तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।